नमस्कार, मैं साक्षी। अपने न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। खो के साए में अपनों की जिंदगी रेशम से मुलायम कर रही है ये महिलाएं। नारायणपुर। अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बुलंदियों को छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हालांकि जिंदगी की राह में कई परेशानियां सामने आती है, लेकिन कड़े फैसले और दृढ़ निश्चय से सफलता हमेशा आपकी कदम चूमती है। नक्सल प्रभावित नारायणपुर और अबुझमाड़ की महिलाओं पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है। कड़ी मेहनत के बदौलत यहाँ की महिलाएं न सिर्फ स्वरोजगार से आर्थिक रूप से संपन्न हुई है, बल्कि देश प्रदेश की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बनी है। महिलाओं की बदलती जिंदगी। स्वयं सहायता समूह और मनरेगा की मदद से महिलाएं एक सीजन में करीब 1,32,00,000 रुपए तक का रेशम उत्पाद कर लेती है। जिले में रेशम उत्पाद के लिए अलग अलग 4 स्वयं सहायता समूह काम कर रही है। मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना के तहत 2 मलबरी रेशम केंद्र स्थापित किए गए हैं। बीते सीजन में 27 हितग्राहियों ने 2,993 किलो रेशम उत्पाद का लक्ष्य रखते हुए 2010 किलो रेशम का उत्पादन किया था, जिसमें उन्हें 3,00,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। आत्मनिर्भर हो रही है महिलाएं। रेशम पालन में महिलाओं की बढ़ती रुचि को देखते हुए जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत एक और केंद्र का स्थापित करने के लिए गोटा जमरी गाँव में 10 हेक्टेयर में कीट पालन के लिए अर्जुना पौधा रोपण किया गया है, जिसमें इसी साल बारिश के मौसम में संधारण का काम किया जाएगा। तो की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।